अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस अकेडमी। आज इस वीडियो में मैं सॉल्व करवाने वाला हूं फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स, और फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स में बारी है चैप्टर नंबर 7 को सॉल्व करने की। चैप्टर नंबर 7 जो कि है वर्क पावर एनर्जी, टोटल वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड इसमें 8 न्यूमेरिकल्स हैं, और इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। और फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर 1 टू न्यूमेरिकल नंबर 4। और अगर आपको इसके अलावा वाले न्यूमेरिकल चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 5 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 8, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसके सेकंड पार्ट का। और अगर फर्स्ट पार्ट करना है तो यही वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। कीप वॉचिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ स्पेसिफाइड बाय, फोर्स गिवन है 3i प्लस 4j प्लस 5k इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन बी। अच्छा, पोजीशन बी से लेके जा रहे हैं पोजीशन ए की तरफ, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ पे। द पोजीशन वैक्टर्स ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये पोजीशन वैक्टर्स गिवन है उन पॉइंट्स के। पॉइंट ए का है 2i प्लस 5k माइनस 2k, और पॉइंट बी का है 7i प्लस 3j माइनस का 5k। सो डेटा में फोर्स की वैल्यू आ गई, पोजीशन वैक्टर आ गया पॉइंट ए का, पोजीशन वैक्टर आ गया पॉइंट बी का, और वर्क डन हमें फाइंड करना है। तो अब देखो, जो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट पता करनी पड़ेगी। देखो, इस किस्म का केस है कि फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारे पास एक एक्सिस, ये आ गया ओरिजिन, ठीक है, ये आ गया पॉइंट ओ। ओके, सो एक है हमारे पास पॉइंट ए और दूसरा है हमारे पास पॉइंट बी, ठीक है। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, एक पोजीशन वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ए पे जाके एंड होगा, एक ये वाला पोजीशन वेक्टर गिवन है जिसको नाम दिया गया है आर ए का, ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका नाम हो जाएगा आर ए। और दूसरा जो वेक्टर है वो पॉइंट ओ से लेके है पॉइंट बी तक, ठीक है, ये आ गया। तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है इसका नाम हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर बी, ठीक है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करनी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम मालूम कर सकते हैं, अच्छा, बी से ए की तरफ, तो वो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि बी से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है जिसको हमने शो किया है यहाँ पर आर से। और बाय ग्राफ को इजीली नज़र आ रहा है कि अगर मैं माइनस कर दूं आर बी में से आर ए, तो अपने आप वैल्यू मुझे पता लग जाएगी आर ए की। और वही काम हमने यहाँ पे किया है कि आर बराबर है आर बी माइनस आर ए। सो आर बी की वैल्यू पुट करिए 7i प्लस 3j माइनस 5k माइनस, और ये पूरी वैल्यू आ गई आर ए की, यानी कि 2i प्लस 5j माइनस 2k, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पे आ गया प्लस। सो 7i और माइनस 2i हो गया 5i, और प्लस का 3j माइनस का 5j हो गया माइनस का 2j, और माइनस का 5k और प्लस का 2k ये हो जाएगा माइनस का 3k, हो गई वैल्यू r की। नाउ वर्क डन पता करना है, तो वर्क डन होता है f डॉट r, यानी कि हमें डॉट प्रोडक्ट पता करना है, और फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, और r जो अभी भी हमने फाइंड करा है। और डॉट प्रोडक्ट का पहले ही बता चुका हूँ मैं, डॉट प्रोडक्ट जब हम फाइंड करते हैं सो उसको क्या करते हैं, i की वैल्यू i वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर j वाली जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होती है j से, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 से, और ये जो k की वैल्यू है मल्टीप्लाई होगी k से, यानी कि 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 से, तो हो जाएगा 15 माइनस 8 और माइनस का 15, 15 प्लस का माइनस का कैंसिल, सो आंसर आ जाएगा माइनस का 8 यूनिट, ठीक है। तो क्योंकि वर्क डन है, तो वर्क डन के लिए माइनस साइन, क्योंकि मैग्नीट्यूड सिर्फ यूज़ होता है, तो समझ लो हमारा जो आंसर है वो बराबर होगा 8 यूनिट के, जो मैग्नीट्यूड है उसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक 2000 किलोग्राम की कार है जो कि ट्रैवल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और वो रेस्ट में आती है ऑन अ ग्राउंड लेवल इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए वो रेस्ट में आती है। हाउ लार्ज इज़ द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स टेंडिंग टू स्टॉप इट, तो कितनी होगी वो लार्ज एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स जो कि उसे रोक रही है। सो मास ऑफ कार एम से 2000 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार वी आई 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार वी एफ इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार एस इज इक्वल टू 100 मीटर, और हमें फाइंड करनी है फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ। सो याद रखो, वर्क एनर्जी रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वर्क डन है वो बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर, सो लेकिन जब फाइनल होगा तो फाइनल वेलोसिटी आएगी, और जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी और उसका स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है। सो वर्क डन सबसे पहले हम देख लेते हैं, वर्क डन बराबर है एफ इन टू एस के, फोर्स फ्रिक्शन जो पता करनी है, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया है वो था 100 मीटर, तो वही यहाँ पे हमने पुट करा, ठीक है। मास हमें पता है 2000 है, इनिशियली रेस्ट में थी, फाइनली रेस्ट में आ गई थी, सो जीरो हो गया, इनिशियली मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे आ गया 20 का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू तो देखो मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगी जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो हो जाएगी,
ठीक है, ये बचेगा माइनस का 1/2 2000 इंटू 400, और यहाँ पे वही है एफ इंटू 100। सो ये जो आंसर है सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ़ की वैल्यू को अलग करेंगे। एफ़ की वैल्यू को अलग करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले 400 मल्टीप्लाई बाय 2 से इसको कैंसिल कर दो पहले, ठीक है, हो जाएगा 1000। सो 400 मल्टीप्लाई होगा 1000 से, ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 100, सो आंसर आ जाएगा माइनस का 4000 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि देखो वो फ्रिक्शनल फोर्स है, रोक रही है, तो इस वजह से माइनस का साइन भी आएगा यहाँ पे। सो एवरेज जो फ्रिक्शनल फोर्स है माइनस का 4000 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 100 किलोग्राम मैन है जो कि कार के अंदर बैठा है और वो ट्रैवल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से। सो पहला काम तो यही कि हमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। जो फिर क्या होता है कि कार स्ट्राइक करती है कंक्रीट वॉल से और फिर रेस्ट में आ जाती है बाद में। इनिशियली मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड, बाद में रेस्ट में आती है आफ्टर द फ्रंट ऑफ द कार हैज़ कोलैप्स्ड। ठीक है, वो कोलैप्स हो जाता है 1 मीटर, यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा कार ने वो 1 मीटर का किया होगा। द मैन इज़ वेयरिंग अ सीट बेल्ट एंड हार्नेस। ठीक है, सीट बेल्ट को पहना हुआ है और हमें अब क्या पता करना है, व्हाट इज़ द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय द बेल्ट एंड हार्नेस ड्यूरिंग द क्रैश। कितनी फोर्स अप्लाई करी होगी उस बेल्ट ने और हार्नेस ने उस शख्स के ऊपर जिसकी वजह से वो रुका। सो मास आ गया 100 किलोग्राम, वेलोसिटी इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, डिस्टेंस है 1 मीटर का, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है। सो काइनेटिक एनर्जी पहले पता कर लेते हैं, 1/2 mv², मास है 100, वेलोसिटी है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, इधर कैंसिलेशन करी 250, तो 50 को मल्टीप्लाई करा 400 से, ये आ जाएगा 20,000 joules, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब जो सेकेंड पार्ट है ना उस पर आ जाओ, सेकेंड पार्ट में क्या पता करना है, एवरेज फोर्स। अच्छा देखो, वर्क डन ऑन द बेल्ट बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, वही जो इससे पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। सो वर्क डन के लिए आ जाएगा एफ इंटू एस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसकी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 20,000, और फाइनल कितनी है, फाइनल है 0 क्योंकि वो रेस्ट में आ गया। सो 20,000 माइनस 0 ये हो जाएगा 20,000, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के अंदर ले जाएंगे डिवाइड में, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। सो 1 मीटर से डिवाइड करा के आंसर आ जाएगा 20,000 न्यूटन। तो जो एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी है 20,000 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये इट्स अ काइंड ऑफ अ डेरिवेशन, एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है और वो जाता है एच हाइट तक। ठीक है, वह एच हाइट तक पहुंच जाता है। सो सवाल ये है कि हाउ हाई इज़ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कितना ऊंचाई तक पहुंच चुका होगा एच के लिहाज से, जब उसने अपनी 1/3 जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी उसको लॉस कर दिया। ये बात तो कंफर्म है, जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करूं, तो ऊपर जाते जाते बॉडी स्लो डाउन होती रहती है, तो स्लो डाउन होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रही है। सो सवाल ये है कि अगर एच के लिहाज से बताएं कि भाई कितनी हाइट तक जाएगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/3 लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो फिगर देख लो सबसे पहले, मिसाल के तौर पे एच हाइट तक वो चला जाता है पहले, ठीक है, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। लेट सपोज़ दरमियान में एक पॉइंट आता है पॉइंट सी, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी 1/3 हो जाती है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के डॉट ई, और अब जो हाइट हमें फाइंड करनी है वो हो जाएगी एच डैश। तो मिसाल के तौर पर एच डैश ही वो हाइट है जिस हाइट पर 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। सो लेट हाइट हमने वही जो मैंने फिगर में बताया एच आई एच डैश हमने सपोज करी, जहाँ पर 1/3 ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमेशा बराबर होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के। सो इसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे हाइट एच डैश है, सो काइनेटिक एनर्जी 1/3 हो जाएगी, 1/3 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट ई। सो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², एम से एम कैंसिल किया यहाँ पर हमने, तो आंसर आ गया 2 × 3 1/6 v² जी एच डैश के। सो एच डैश की वैल्यू आ गई 1/6 gv². ठीक है, सिर्फ क्या किया है, ये जी इस तरफ जाकर हो गया डिवाइड, तो एच डैश की वैल्यू आ गई। अब क्या करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे हैं, 2s = होता है vf² माइनस vi², ऊपर जाते हैं वैल्यू माइनस का जी, डिस्टेंस जो है वो एच है टोटल वाला, और फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता है यहाँ पे पहुँच के 0 हो गई होगी। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 0, और इनिशियली जो भी थी बस वो वी की वैल्यू है। सो माइनस से इधर का माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस के, 2gh प्लस v². अब क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी इससे पहले वाली, उसमें v² की जगह पर हम 2gh पुट करेंगे,
ठीक है, तो जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी इससे पहले, इस वाली इक्वेशन के अंदर 1/6 gv² की जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह पर आ गया 2gh, सो क्या क्या कैंसिल हुआ, 2 से यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और जी से जी कैंसिल, सो आंसर आ जाएगा 1/3h, यानी कि अगर वो 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस कर चुका है तो हाइट भी उसने कवर करी होगी 1/3। दैट्स इट, यही थे वो 4 न्यूमेरिकल जो इस पार्ट के लिए मैंने रखे थे, आई होप समझ में आ गए होंगे। तो फटाफट प्रैक्टिस करनी है इसकी, और जैसे ही प्रैक्टिस हो जाए तो बिल्कुल पार्ट नंबर 2 को ट्राई करो, लिंक मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।